इस वीडियो में हम जानेंगे कि रियल मी मोबाइल में पासवर्ड को चेंज कैसे किया जाता है। हम अपने रियल मी मोबाइल में जो पहले से पासवर्ड को लगाए हैं उस पासवर्ड को बदल करके हम दूसरा पासवर्ड कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना पासवर्ड ओल्ड पासवर्ड डाल करके इसे ओपन कर लेता हूँ। तो हमें इस पासवर्ड को चेंज करना है। तो रियल मी मोबाइल में किसी भी पासवर्ड को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का जो सेटिंग्स है आपको सेटिंग्स में आना है। और सेटिंग आने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा सा नीचे आने के बाद एक ऑप्शन मिल जाएगा पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक का। तो आपको पासवर्ड एंड बायोमेट्रिक पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आने के बाद आपको ऊपर में लॉक स्क्रीन पासवर्ड मिलेगा, तो आपको लॉक स्क्रीन पासवर्ड पर क्लिक करना है। और आपने जो पुराना पासवर्ड है, जो पुराना पासवर्ड बनाया है, उस पुराने पासवर्ड को यहाँ पर आपको एंटर कर लेना है। एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा मॉडिफाई पासवर्ड का। तो आपको मॉडिफाई पासवर्ड पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका पुराना वाला पासवर्ड फिर से एक बार एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इंटर न्यू पासवर्ड है। यहाँ पर यूज ए डिफरेंट पासवर्ड टाइप पर क्लिक करके आप 6 अंक का 4 अंक का जो भी रखना चाहते हैं यहाँ पर रख सकते हैं। तो यहाँ से हम कैंसिल करते हैं और हम एक नया पासवर्ड बना लेते हैं। तो मेरा पहले का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 था, तो यहाँ पर हम 2 5 8 0 3 6 को रखते हैं। तो आपको दो बार रखना है, जो भी पासवर्ड बनाइए आप यहाँ पर दो बार आपको एंटर कर लेना है। और एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर आप चाहें तो फिंगरप्रिंट अपने ऐड कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से आप कैंसिल भी कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर देता हूँ। और इतना करने के बाद आपका जो पासवर्ड है पुराना वाला पासवर्ड हट जाएगा और नया वाला पासवर्ड लग जाता है। तो यहाँ से अपन मोबाइल को लॉक करते हैं और लॉक करने के बाद अनलॉक करते हैं। तो अगर हम अपना पुराना पासवर्ड डालेंगे तो मेरा यहाँ पर मोबाइल अनलॉक नहीं होगा। तो चूंकि हमने जो नया पासवर्ड बनाया है उस पासवर्ड को यहाँ पर एंटर करना होगा। और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा जो मोबाइल है अनलॉक हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने रियल मी मोबाइल में पुराने वाले पासवर्ड को हटा करके नया पासवर्ड लगा सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।